सब समाज अपने अपने समाजों के अंदर अच्छे विचारों, अच्छे संस्कार और प्रगतिशील विचारों को लेकर चलें। 2047 में विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए सबको सामूहिक योगदान करना पड़ेगा। अब समय आ गया कि अपने अपने कर्तव्य को निभाते हुए देश को आगे बढ़ाएं। इससे राजस्थान के अंदर निवेश की बहुत बड़ी संभावना है। राज्य के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। माननीय मोदी जी देश के अंदर नया निवेश लाने का प्रयास कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुनिया में भारत का लोकतंत्र सबसे मजबूत, सशक्त और जवाबदेह है। दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां गांव की छोटी इकाई से लेकर देश के संसद तक हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अपने चुनते हैं और इस लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सभी समाजों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। सब समाज अपने अपने समाजों के अंदर अच्छे विचारों, अच्छे संस्कार और प्रगतिशील विचारों को लेकर चलें और सब समाज देश को आगे बढ़ाने में योगदान करें। 2047 में विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए सबको सामूहिक योगदान करना पड़ेगा, मिलकर योगदान करना पड़ेगा और हम सब मिलकर किस तरीके से विकसित भारत में अपना योगदान दे सकते हैं, अपने कर्तव्य निभा सकते हैं। लोकतंत्र डेमोक्रेसी में हमारे संविधान के अंदर ये लिखा है, कर्तव्य पालना और अधिकार भी मांगना। अब समय आ गया कि अपने अपने कर्तव्य को निभाते हुए देश को आगे बढ़ाएं। विश्व समाज भी लगातार आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भी इस तरीके का समाज के अंदर सामाजिक समरसता और समाज में योगदान देता है। मैं संगठन के लोगों को बधाई देता हूँ। बेस्ट होने जा रहा है राजस्थान में, आर्थिक रूप से राजस्थान में जो विकसित राजस्थान आर्थिक रूप से बहुत बड़ी संभावना है। आज देश में राजस्थान वो राज्य है जहाँ हम पर्यटन की दृष्टि से दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं। इंडस्ट्री सेक्टर के आधार पर जहाँ हमारे पास जमीन है, पानी है, बिजली है, इसलिए राजस्थान के अंदर निवेश की बहुत बड़ी संभावना है। राज्य के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। माननीय मोदी जी देश के अंदर नया निवेश लाने का प्रयास कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि दुनिया पहले भारत को बाजार समझती थी, अब भारत दुनिया का वो बाजार समझकर आने वाले समय के अंदर जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है वो नई टेक्नोलॉजी भारत में आएगी, उनकी इंडस्ट्री भारत में लगेगी, हम भारत के अंदर भी भारत के बाहर भी निर्यात करने की, एक्सपोर्ट करने की ताकत आने वाले समय भारत में बढ़ेगी। अभी भी हम डिफेंस सहित ऐसे सेक्टरों में जहाँ कभी एक्सपोर्ट नहीं करते थे आज वहाँ एक्सपोर्ट करने लगे, इसलिए उसमें राजस्थान की बहुत बड़ी संभावना है।